मनीष माधवा की बायोग्राफी की बात की जाए तो इनका नाम है मनीष माधवा, ऑक्यूपेशन एक्टर, वॉइस एक्टर और डबिंग एक्टर। डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1972 और अभी यह 48 ईयर ओल्ड है। बर्थ प्लेस है अंबाला कंटेनमेंट, अंबाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। हाइट है इनका 5 फुट 10 इंच और वेट इन किलोग्राम 72 kg। जोडिक साइन है टॉरस, नेशनलिटी इंडियन। स्कूल है सिखू निकेतन स्कूल अंबाला हरियाणा। कॉलेज का नाम है प्रहलदाई दालमिया लाइन कॉलेज मुंबई इंडिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम से। रिलीजन हिंदू। मार्शल स्टेटस मैरिड। वाइफ का नाम है प्रियंका वाधवा, इनकी बेटी का नाम है वंशिका वाधवा और बेटे का नाम है अश्रित वाधवा। इनके अगर फिल्मोग्राफी की बात की जाए तो इन्होंने कई फिल्में की है। नंबर वन पर है राहुल जो 2001 में रिलीज हुई थी। दूसरा फिल्म है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो जो फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी और इसमें इन्होंने कर्नल इनायत कैनी का रोल किया था। तीसरे फिल्म है मस्तानी जो 2005 में रिलीज हुई थी। चौथा फिल्म हनुमान 2005 में रिलीज हुई थी। पांचवा फिल्म है तुझको पुकारे जो फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। छठा फिल्म है सबरी जो 2011 में रिलीज हुई थी। सातवां है जैकपॉट जो 2013 में रिलीज हुई थी और आठवां है बाबा ब्लैक सी 2018 में रिलीज हुई थी। नौवां है पद्मावत जो 2018 में रिलीज हुई थी और लास्ट यानी 10 नंबर मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जो 2019 में रिलीज हुई फिल्म है और उसमें इन्होंने मोरे पंत का रोल किया था। इन्होंने कई टेलीविजन शो भी किए हैं जिसमें से एक है अम्रपाली जो 2002 का शो है, इसमें यह अजात शत्रु का रोल प्ले किए हैं। नेक्स्ट है कोहिनूर जो 2005 में आने वाली शो है और इसमें यह काली का रोल किए थे। नेक्स्ट राजकुमार आर्यन जो शो 2008 में आता था। नेक्स्ट है शौर्य और सुहानी जो शो 2009 में आता था। पांचवें नंबर पर आते हैं मितवा फूल कमल के जो 2009 से 10 के बीच का शो है और इसमें यह निर्भया चौधरी का रोल को अभिनय किए थे। छठा नंबर पर है सबसे फेमस शो जिसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो 2011 से 12 के बीच चलने वाला शो है और इसमें इन्होंने चाणक्य का रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है देवों के देव महादेव जो 2011 से 14 के बीच चलने वाला शो है और इसमें यह रावण का रोल प्ले किए थे। नेक्स्ट है इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर जो 2013 से 15 के बीच चलने वाला शो है और इसमें यह निरंजन अग्निहोत्री का रोल प्ले किए थे। नेक्स्ट है इनकाउंटर जो 2014 का शो है। नेक्स्ट आता है महाकुंभ एक रहस्य एक कहानी जो 2014 से 15 में आने वाले शो है और इसमें यह शिवानंद के रोल को प्ले किए थे। 11 नंबर पर आते हैं सिया के राम जो 2015 से 16 चलने वाला एपिसोड है और इसमें यह विश्वामित्र का रोल अभिनय किए थे। नेक्स्ट है दहलीज जो 2016 में आने वाली शो है। नेक्स्ट है नागार्जुन एक योद्धा जो 2016 से 17 में चलने वाली शो है और इसमें यह वासुकी का रोल प्ले किए थे। नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव जो 2017 में आने वाली शो है और इसमें यह बालाजी विश्वनाथ का रोल प्ले किए थे। 15 नंबर पर है परम अवतार श्री कृष्ण जो 2017 से अभी तक चलने वाला शो है और इसमें यह केन्स का रोल प्ले कर रहे हैं। और नेक्स्ट है क्राइम पेट्रोल का एक चंबल एज डिस्कॉर्ड लीडर का रोल प्ले किए थे इन्होंने जो सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 है क्राइम पेट्रोल में। फिल्मोग्राफी के अलावा इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में डबिंग का रोल भी किया है। टेलीविजन सीरीज जिसका टाइटल है लूसीफर जिसके एक्टर हैं टॉम वेलिंग और इन्हीं के आवाज़ को इन्होंने हिंदी में डब किया है। अगर एनिमेटेड फिल्म की बात की जाए तो पहला फिल्म है लेडी एंड द ट्रम्प जिसमें ओरिजिनल वॉइस था ली मिलर का और जिसे हिंदी में डब किए हैं मनीष वाधवा। दूसरा फिल्म है फर्डिनांड जिसके ओरिजिनल वॉइस है जॉन सीना का और
इसको भी इन्हीं ने हिंदी में डब्ड किया है और इसका ओरिजिनल और डब्ड ईयर दोनों एक ही सेम है 2017। अगर फिल्म की बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारे फिल्म में डबिंग की है हिंदी में, और जो भी फिल्म मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी का डबिंग हिंदी में ही है और सभी का ओरिजिनल ईयर रिलीज और डब ईयर रिलीज सेम है। पहले फिल्म की बात की जाए तो पहला फिल्म है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, जिसके एक्टर हैं जॉनी डिप, और इसका अगर ईयर रिलीज की बात की जाए तो वो है 2005। ओरिजिनल और डब ईयर सभी का सेम है, इसलिए मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए दूसरा फिल्म है द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया प्रिंसेस कैप्सियन, जिसके एक्टर हैं डेमिन एलकेजर, यह रिलीज हुआ था 2008 में। तीसरा फिल्म है द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया द वॉयज ऑफ डॉन ट्रीडर, जो रिलीज हुआ था 2010 में। चौथा फिल्म की बात की जाए तो चौथा फिल्म है प्रीडेटर, जिसके एक्टर है वल्टोन गोगिन, और यह रिलीज हुआ था 2010 में। पांचवा फिल्म है ट्रोन लेगेसी, जिसके एक्टर है मिकेल सिन, और यह रिलीज हुआ था 2010 में। नेक्स्ट फिल्म का नाम है द ट्विलाइट सगा, जिसके चार लगातार सीरीज आए हैं। फिल्म का टाइटल है द ट्विलाइट सगा न्यू मून, जिसके एक्टर है टेलर लॉटनर, जो ईयर रिलीज हुआ था 2009 में। सेकेंड फिल्म की बात की जाए तो वो है द ट्विलाइट सगा इक्लिप्स, जिसके एक्टर टेलर लॉटनर है, और यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है द ट्विलाइट सगा ब्रेकिंग डाउन पार्ट 1, इसके भी एक्टर सेम है टेलर लॉटनर, जो 2011 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है द ट्विलाइट सगा ब्रेकिंग डाउन पार्ट 2, जिसके एक्टर सेम है, और यह 2012 में रिलीज हुई थी। दसवें नंबर पर आने वाली फिल्म का नाम है द फाइनेस्ट आवर, जिसके एक्टर हैं क्रिस पाइन, यह 2016 में रिलीज हुई थी। ग्यारहवें पर आता है किंग्समैन द गोल्डन सर्कल, जिसके एक्टर हैं कैनिन टैटम, और यह रिलीज हुई थी 2017 में। अब यह बात जानकर आप आश्चर्य रह जाएंगे कि एवेंजर में जो बकी है उसका हिंदी डब मनीष वाधवा ही करते हैं। तो 12 नंबर पर जो फिल्म आता है इसका नाम है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, इसके एक्टर हैं सेबास्टियन स्टैन, इसका कैरेक्टर है बकी वर्नस, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 2011। नेक्स्ट फिल्म है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, और इसमें भी सेम एक्टर हैं सेबास्टियन स्टैन, यह फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में। नेक्स्ट है कैप्टन अमेरिका सिविल वार, इसमें भी सेम एक्टर हैं सेबास्टियन स्टैन, और यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट फिल्म है ब्लैक पैंथर, यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है एवेंजर इन्फिनिटी वार, जो फिल्म 2018 में रिलीज हुई। 17 नंबर पर है एवेंजर एंडगेम, इसमें भी एक्टर सेबास्टियन स्टैन है और कैरेक्टर है इनका बकी वर्नस, और यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर से एंडगेम तक बकी का जो हिंदी डब है वो मनीष वाधवा ही करते हैं, और आगे भी वही करते रहेंगे। लास्ट दो फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का नाम है मिशन इम्पॉसिबल, जिसके एक्टर है वेस वेंटली, और यह डब और ओरिजिनल दोनों 2018 में रिलीज हुई थी। सबसे लास्ट फिल्म का नाम है ट्रिपल फ्रंटियर, इसके एक्टर हैं बेन एफ्लेक, और यह रिलीज हुई थी 2019 में। अगर अवार्ड की बात की जाए तो पहला अवार्ड है इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, जिसमें फर्स्ट नॉमिनी हुए थे 2012 में बेस्ट एक्टर ड्रामा चंद्रगुप्त मौर्य शो के लिए। दूसरी बार नॉमिनी हुए थे 2017 में बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल पेशा बाजीराव के लिए, और 2019 में विनर हुए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल परम अवतार श्री कृष्ण। दूसरे अवार्ड की बात की जाए तो दूसरा अवार्ड है इंडियन टेली अवार्ड, जिसमें फर्स्ट विनर हुए थे 2012 में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स चंद्रगुप्त मौर्य शो के लिए, और 2014 में नॉमिनी हुए थे बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर। अगर मनीष वाधवा की सोशल मीडिया की बात की जाए तो इनका फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं।